नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर जी जी कॉन्सर्ट में। तो मित्रों, राजस्थान के शिलालेख अपने चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ क्वेश्चन मैंने 7 या 8 क्वेश्चन में पिछली क्लास में करवाए भी थे आपको, और फिर मैंने बोला भी था कि फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो आज पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन आ चुके हैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन से किसी परीक्षा से पहले एक दिन पहले अगर इनको आप रिवाइज भी करेंगे तो बहुत फायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? राजस्थान के किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख अपन ने पढ़ रखा है, उसकी रचना हुई थी 1170 ईस्वी में। वर्तमान में बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है चौहानों को। तो इसका आंसर होगा मित्रों बिजोलिया शिलालेख। तो चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया लेख में कहा गया है। अब बिजोलिया लेख की रचना 1170 में, वर्तमान में बिजोलिया लेख भीलवाड़ा जिले में स्थित है। प्रशस्तिकार गुणभद्र सूरी था। इसके अलावा इसमें वर्णन था वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी, उसी ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये है अपने बिजोलिया लेख। उसके बाद देखिए अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अपन ने एक अभिलेख या शिलालेख पढ़ा था विराटनगर या विराट अभिलेख। तो विराटनगर अभिलेख में 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक तो बाबरू का लेख, एक विराट का लेख। तो इसका सही आंसर होगा विराट लेख, विराटनगर अभिलेख। विराटनगर अभिलेख में एक लेख प्राप्त हुआ है बाबरू शिलालेख। तो बाबरू लेख में अशोक का वर्णन है, अशोक मौर्य का। अब विराटनगर अभिलेख किस जिले में स्थित है? आपको पता ही होगा, आपने पहले डिस्कस भी कर लिया है, जयपुर में। अब देखिए आप बाबरू शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, इसका अपन ने अलग से डिस्कस भी किया था। मैंने विशेष जोर देकर आपको बताया भी था कि किस व्यक्ति विशेष ने बाबरू शिलालेख की खोज की थी। तो बाबरू लेख विराटनगर अभिलेख के अंतर्गत आता है, और बाबरू लेख की खोज की थी 1837 ईस्वी में कैप्टन ब्रट ने। कैप्टन बर्ट ने बाबरू लेक की खोज कैप्टन बर्ट ने बाबरू लेक की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किस शिलालेख से महाराणा कुंभा की लेखन शैली का पता चलता है? महाराणा कुंभा की लेखन शैली का पता राजस्थान के किस शिलालेख से चलता है? तो महाराणा कुंभा की लेखन शैली का प्लस महाराणा कुंभा की उपाधियां और मालवा युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जिस प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था वो प्रशस्ति थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से महाराणा कुंभा की लेखन शैली का पता चलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो वो प्रशस्ति थी अपने कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, राज्य में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? क्वेश्चन है अपने कि राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि करने वाला सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो शिलालेखों की स्टार्टिंग में अपने एक प्रथम जो शिलालेख पढ़ा था गोसुंडी शिलालेख। तो गोसुंडी शिलालेख में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख है वो। तो गोसुंडी शिलालेख वर्तमान में किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर भंडारकर ने। इसके अलावा उसमें वर्णन प्राप्त होता है अपने को गजवंश के शासक सरता द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने और विष्णु मंदिर के निर्माण का पता भी गोसुंडी शिलालेख से पता चलता है। तो राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख। वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन लेख गोसुंडी लेख। उसके बाद देखते हैं अपन रणकपुर प्रशस्ति की रचना कब हुई थी। अब रणकपुर प्रशस्ति की रचना कब हुई थी तो हम पूरा देखते हैं उसका। रणकपुर प्रशस्ति वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। उसकी रचना हुई थी 1439 ईस्वी में। निर्माता था दर्णक शाह, जो एक सेठ था, और शिल्पी या प्रशस्तिकार था
सम्मेलन। अब रणकपुर प्रशस्ति में वर्णन क्या है? रणकपुर प्रशस्ति में बापा राहुल और कालबोझ को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। फिर से कह रहा हूँ, बापा राहुल और कालबोझ को अलग अलग व्यक्ति रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। इसके अलावा महाराणा कुंभा के द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन रणकपुर प्रशस्ति में प्राप्त होता है। तो रणकपुर प्रशस्ति की रचना हुई थी 1439 ईस्वी में। उसके बाद देखिए राज्य का सबसे प्राचीन शिलालेख। तो राज्य का सबसे प्राचीन शिलालेख अपने एक शिलालेख पढ़ा था, बर्लिका लेख। बर्लिका लेख वर्तमान में अजमेर जिले में स्थित है। बर्लिका लेख प्राप्त हुआ था अजमेर जिले में बिलोत माता मंदिर से। वो राजस्थान का सबसे प्राचीन लेख भी बर्लिका लेख है। बर्लिका लेख। उसके बाद देखिए आप किस शिलालेख में बापा राहुल और कालबोझ को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अभी अपने जस्ट डिस्कस किया है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में बापा राहुल और कालबोझ को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति। उसके बाद देखिए आप किस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। ये पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। और अब देखिए आप किस प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। अपने एक प्रशस्ति पढ़ी थी, लगभग 7 या 8वें नंबर पर प्रशस्ति पढ़ी थी अपने, शायद पहले लेक्चर में। उस प्रशस्ति का नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। उस प्रशस्ति की रचना हुई थी 1652 ईस्वी में। वो रचयिता था कृष्ण भट्ट। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए आप जूनागढ़ प्रशस्ति का लेखक। अब देखते हैं जूनागढ़ प्रशस्ति है कहाँ स्थित, रचना कब हुई, किसके शासनकाल में हुई। तो जूनागढ़ प्रशस्ति वर्तमान में बीकानेर जिले में स्थित है। इसका रचयिता या प्रशस्तिकार था जैन मुनि जेता। प्रशस्तिकार था जैन मुनि जेता, वर्तमान में बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें इसके निर्माण के समय शासक थे राव राय सिंह, और इसमें राव बीकर से लेकर राव राज सिंह तक के बीकानेर के शासकों का वर्णन है। इसके अलावा इसमें बीकानेर दुर्ग के निर्माण के बारे में वर्णन प्राप्त होता है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण राव राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। तो जूनागढ़ प्रशस्ति की रचना हुई थी 1594 ईस्वी में। रचना 1594 में हुई थी जूनागढ़ प्रशस्ति की। अब देखिए बापा ने चित्तौड़ दुर्ग हरित ऋषि के आशीर्वाद से जीता, इसका वर्णन राजस्थान के किस शिलालेख में प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि बापा राहुल ने 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान को हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता था। ये तो अपन बापा राहुल के शासनकाल में देख ही चुके, परंतु इस घटना का वर्णन किस शिलालेख में प्राप्त, किस शिलालेख से प्राप्त होता है। तो वो शिलालेख है वेदीनाथ मंदिर प्रशस्ति। अब वेदीनाथ मंदिर प्रशस्ति के बारे में पूरा देखते हैं डीपली क्या है वो। वेदीनाथ मंदिर प्रशस्ति की रचना हुई थी 1719 ईस्वी में। वर्तमान में वो स्थित है उदयपुर जिले में। वेदीनाथ मंदिर प्रशस्ति महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में लिखी गई थी। अब इसका रचयिता था पंडित रूप भट्ट। फिर से कह रहा हूँ, वेदीनाथ मंदिर प्रशस्ति का रचयिता पंडित रूप भट्ट था। इसी प्रशस्ति में बापा राहुल ने चित्तौड़ दुर्ग हरित ऋषि के आशीर्वाद से जीता, इसका वर्णन प्राप्त होता है वेदीनाथ मंदिर प्रशस्ति में। बात देखिए आप किराडू लेख की रचना कब हुई थी। अब किराडू लेख बात चली गई अपने, क्वेश्चन भी देख लीजिए आप किराडू लेख की रचना कब हुई। तो किराडू लेख वर्तमान में बाड़मेर जिले में स्थित है। रचना हुई थी 1161 ईस्वी में। किराडू लेख में परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के अबू यज्ञ से बताई गई है। तो यही वर्णन प्राप्त होता है अपना मोस्टली किराडू लेख से। फिर से देख लीजिए आप किराडू लेख की रचना 1161 ईस्वी में हुई। किराडू लेख वर्तमान में बाड़मेर जिले में स्थित है। और किराडू लेख में, किराडू लेख के अनुसार परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के अबू यज्ञ से हुई है। रचना हुई 1161 ईस्वी में किराडू लेख की। उसके बाद देखिए ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक कौन था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक कौन था। अब देखिए ग्वालियर प्रशस्ति वर्तमान में है कहाँ स्थित। ग्वालियर एमपी में है, और वहाँ एक स्थान विशेष का नाम है सगर नामक स्थान से ग्वालियर प्रशस्ति की प्राप्ति हुई थी। ग्वालियर प्रशस्ति है मीर भोज की
अब इसमें वर्णन प्राप्त होता है मीर भोज के द्वारा विष्णु मंदिर के निर्माण का और इसके अलावा गुजर प्रत्यारों की वंशावली का पता चलता है ग्वालियर प्रशस्ति से। अब इसने पूछा है किसने अपने को कि ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक कौन था, तो ग्वालियर प्रशस्ति का लेखक था बालादित्य। ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक थे बालादित्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। समर्थेश्वर मंदिर का लेख, समर्थेश्वर मंदिर लेख है, उस लेख का लेखक कौन था, तो अब देखते हैं समर्थेश्वर मंदिर लेख या समर्थेश्वर मंदिर प्रशस्ति। अब समर्थेश्वर मंदिर प्रशस्ति की रचना हुई थी 1429 ईस्वी में। वर्तमान में समर्थेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ये प्रशस्ति। अब इस प्रशस्ति की रचना की थी कवि एकनाथ ने, तो समर्थेश्वर मंदिर प्रशस्ति की रचना कवि एकनाथ ने की थी। और इस प्रशस्ति में वर्णन क्या है, समर्थेश्वर मंदिर प्रशस्ति में मेवाड़ के शिल्पियों की वंश परंपरा का पता चलता है। समर्थेश्वर मंदिर का लेख, इसका लेखक था कवि एकनाथ। उसके बाद देखिए आप, कछुआ वंश को रघुकुल तिलक किस लेख में कहा गया है, जयपुर के कछुआ वंश के शासकों को रघुकुल तिलक राजस्थान के किस शिलालेख में कहा गया है। अपने एक शिलालेख पढ़ा था आमेर का लेख। अब आमेर का लेख की रचना हुई थी 1612 ईस्वी में। उसी अभिलेख में कछुआ वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। आमेर का लेख, जिसकी रचना 1612 में हुई थी। अब देखिए आप, राज्य के किस लेख से विष्णु व शिव पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पास्ट ईयर में आ चुका है। राजस्थान के किस अभिलेख से विष्णु और शिव पूजा दोनों का साक्ष्य एक साथ प्राप्त होता है, तो वो शिलालेख है मंडोर का लेख, जिसकी रचना हुई थी 837 ईस्वी में। और ये प्रशस्ति है गुजर प्रत्यय नरेश बाऊ की प्रशस्ति। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मंडोर का लेख जोधपुर में स्थित है, रचना हुई 837 ईस्वी में। ये प्रशस्ति गुजर प्रत्यय नरेश बाऊ की प्रशस्ति है और इसी प्रशस्ति में विष्णु और शिव पूजा का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब ये जो कुछ प्रशस्तियां लिखी है मैंने, किन जिले में स्थित है, किस किस जिले में स्थित है वो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन आने लायक है इनसे भी, गोसुंडी लेख कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर है अपने जगन्नाथ राय लेख, वर्तमान में किस जिले में स्थित है, या जगन्नाथ राय प्रशस्ति कह दो आप, तो वो स्थित है उदयपुर जिले में। उसके बाद देखिए आप, आदिवरा मंदिर का लेख कहाँ स्थित है, अहाड़ उदयपुर में। उसके बाद देखिए आप, वेदीनाथ मंदिर प्रशस्ति, ये भी उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा श्रृंगी ऋषि शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख भी उदयपुर में स्थित है। तो गोसुंडी लेख है अपने चित्तौड़ में, जगन्नाथ राय लेख है अपने उदयपुर में, आदिवरा मंदिर लेख भी उदयपुर में, वेदीनाथ मंदिर प्रशस्ति भी उदयपुर में, और श्रृंगी ऋषि शिलालेख भी उदयपुर में। अब मैंने ये जिले विशेष इसलिए लिखा है कि एक ही जिले से कई शिलालेख है। उदयपुर से देख लीजिए आप, लगभग 4 या 5 शिलालेख है जिनका एक साथ आपको पता चल गया, तो आने लायक क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं, परंतु मोस्टली आप इनका एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही।